मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज किसानों को संबोधित और सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, पर प्रदेश में बीते 70 वर्ष के बाद भी अन्नदाता लाभ से वंचित रहा है। किसानों के हित के लिए जो योजना बनाई जा रही थी वह अभी तक नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान के हित के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने 9 महीने के कार्यकाल में किसानों का करीब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। कृषि को महत्वता देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना जीवन कृषि की उन्नति के लिए समर्पित किया था। और महान किसान नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पिछले कुछ महीनों में किसानों के लिए कई काम हुए हैं। उनका कहना है कि अगर किसान खुशहाल होगा तो पूरा प्रदेश खुशहाल होगा और उससे देश की खुशहाली होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आज सभी किसानों को सम्मानित किया जा रहा है, सभी किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बीज और खाद समय से उपलब्ध हो, इस दिशा में काम हो रहा है। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। अनुराग तिवारी, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।